स्वाति खेतान जी। स्वाति मैम नमस्ते। स्वाति मैम कब से शिवराज से जुड़े हो और आपका पहला सवाल अमित जी के लिए कौन सा? सर मैं शेयर बाजार से 3 साल से 2021 में जुड़ी थी, मतलब अराउंड कोविड के बाद से। और ये 3 साल का सफर कैसा रहा जी सर? कौन गाइड कर रहा है स्टॉक के लिए? आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो? जी सर खुद से। अरे और कोई फैमिली फ्रेंड भी सजेस्ट करता है। फ्रेंड भी सजेस्ट कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, मतलब कमाई प्रॉफिट में है पोजीशंस। ऑडियो का इशू है, आप तो एक काम करो क्वेश्चन दाग दो जब तक ऑडियो ठीक ठाक है। मैम पहला सवाल सर, एनएचपीसी के 500 शेयर है मेरे पास 96 पे। एनएचपीसी 500 शेयर 96 की खरीद। स्वाति मैम ये लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, छोटी अवधि के लिए था? सर मिड टर्म। मिड टर्म मतलब क्या हुआ सर? 6 से 12 महीने। ठीक, 6 से 12 महीने का टाइम होराइजन एनएचपीसी। अमित सेठ साहब ए 6 से 12 महीने में अट्रैक्टिव लग रहा है, लुक्रेटिव है, चलेगा नहीं चलेगा? और अगर है तो स्टॉप लॉस कहाँ आके रखूं? 5 रुपए तो मेरी खरीद से वैसे ही नीचे आ गया है। आशीष जी यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है, लाइक ऑल द स्टॉक्स इस कैटेगरी के पावर के। फेब में इसने एक हाई बनाया था 111 का, पिछले 3-4 महीने से एक बड़ा ऑर्डरली कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न विजिबल है, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, काफी कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। दिस कंसोलिडेशन इज ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन। यहाँ पे कभी भी हम एक अच्छा सा मूव देखेंगे तो एक ठीक है, एक लॉस लग रहा है लेकिन 86 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है 111 की जो इसके रीसेंट लेवल्स है वहां तक स्टॉक एक बार जाना चाहिए। एक क्वेरी और लेते हैं क्विक। कल्पना मैम अपना अगला सवाल कौन सा है? सर मेरा आर पावर है मेरे पास। रिलायंस पावर। हाँ, 9 की खरीदी है सर, 9 रुपीज की। और ये क्यों लिया था हस्बैंड ने? हस्बैंड ने नहीं लिया सर। हस्बैंड और वाइफ का इस बारे में जमता नहीं है सर। 9 रुपए में लिया हुआ भाई, 27 कितने में चल रहा है डायरेक्टर? 25-30 के बीच में चल रहा है, 27 है ना? एक बार दिखाइए जरा भाव। अरे बाप रे बाप, 9-3 बाप रे बाप, बढ़िया रिटर्न कमा रहे हैं। हमें चेट साहब क्या करना चाहिए भाई? 9 रुपए में खरीदा था, 27 पे खड़ा है। जी आशीष जी अगर रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ फंडामेंटल फैक्टर्स टेक्निकल से ज्यादा वे करते हैं, काफी न्यूज बेस्ड स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट्स देखें तो 25 का इसका एक सपोर्ट जोन है, तो जब तक 25 के लेवल होल्ड है आप बने रहिए, आप अच्छे खासे गेन में। 25 के अगर नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 25 के स्तर उस पे लगा लीजिए स्टॉप लॉस, उसके ऊपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इन केस उसके नीचे आना शुरू हुआ तो शायद प्रॉफिट टेकिंग दबाव बढ़ेगा, अपन 25 पे फिर एग्जिट कर जाएंगे। अरे मोमेंटम ऊपर ले जा रहा है तो 25 का स्टॉप लॉस सही है अपने पास, उस मोमेंटम को चेस करने के लिए सही आइडिया है।